हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है नोज़ का क्रीम का रिप्लेसमेंट, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे 1 घंटे पहले कमेंट किया और बोला कि आप नोज़ का क्रीम नहीं लगाने बता सकते हो तो एक रिप्लेसमेंट भी दे सकते हो। सो इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट क्रीम जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से कोई रिप्लेसमेंट की सजेशन चाहिए तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम है। अमेजोन से मैंने 320 में ली थी जो कि सेल में ली थी। तो अब आप दीपावली सेल आ रही है तो आप उसमें अमेज़ॉन से ले सकते हो। और ये क्रीम आपको मुझे नहीं लगता कि कोई स्टोर में जल्दी मिलेगी, और मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि आप एक वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और साथ ही साथ बहुत सारा मैंने मुझे उस मतलब बहुत सपोर्ट किया था। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। मैं वीडियो बहुत लंबे समय के बाद बना रही हूँ तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं बस यही कहूँगी, आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए बस ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट का थोड़ा सा आपको बताने के लिए, जो कि मैं नोज़ का क्रीम का जब मैंने इफ़ेक्ट्स बताया, साइड इफ़ेक्ट्स बताया, तो तब से बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि अगर मैं वो नया यूज़ करूँ तो मैं क्या यूज़ करूँ। आप ही मुझे बताओ, कम से कम एक नाम रिकमेंड करो। और बहुत टाइम से मैंने सस्पेंस क्रिएट करके रखा था कि मैं कुछ टाइम में आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को कौन सा क्रीम एक्चुअली में मेरे ख्याल से यूज़ करना चाहिए, बोथ फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन। तो अगर आप लड़की हो तो ये ज़रूर, मतलब मैं आपको ज़रूर ये क्रीम ज़रूर सजेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे ऊपर ये अच्छी वर्क किया। मीन्स एटलीस्ट इट्स अ गुड नाइट क्रीम। आप नाइट को अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसका दाम ज़्यादा है, ये है 375 रुपीज़ का इसका MRP लिखा हुआ है, बट आपको अमेज़ॉन में डिस्काउंट में आपको इसे थोड़ी कम प्राइस में भी मिल जाएगी। हो सकता है दीपावली सेल में आपको इसे और कम मिल जाए, तो आप इसे दीपावली सेल में भी मंगा सकते हो, या तो आप ऐसे भी अमेज़ॉन में जाके देख लो, आपको इसे कम प्राइस में भी मिल सकती है या ज़्यादा प्राइस में भी मिल सकती है। बट मेरे ख्याल से 300 के अंदर आपको मिल जाएगी ये, या 350-20 के अंदर। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिस्काउंट अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आप चेक कर लेना। मैं बस यही बोलूँगी कि लैक्मे का ये जो एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कमाल के पूरे नेचुरल है। कुछ हल्के फुल्के केमिकल से, बट जितने भी है ये पैराबिन फ्री है और बहुत ही हानि केमिकल इसमें नहीं है। इसको लगाने के बाद आपको रेडनेस, ईचिंग कुछ भी नहीं होगी। साथ ही साथ आप इसको अपने आँख के नीचे भी लगा सकते हो। आँख के नीचे मतलब कि जहाँ डार्क स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर लगा सकते हो, आपको इससे कोई भी हानि नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये नोज़ गार्ड से बेटर फील देगा, और ये आपको नोज़ गार्ड जैसा प्रॉब्लम भी नहीं देगा जैसे कि नोज़ गार्ड में बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं कि उन्हें एक बार वो लगाने के बाद एडिक्शन हो जाता है, जब वो छोड़ देते हैं तो उनको डबल काले हो जाते हैं और उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। साथ ही साथ वो कोई दूसरा क्रीम लगाते हैं तो ईचिंग और रेडनेस होने लगती है, तो उसकी वजह से वो क्रीम उनको बहुत हानि पहुँचाती है। बट मैं ये बता दूँ, इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये आपको थोड़ा सा ही लगाने से स्किन में स्प्रेड कर जाता है और आप इसे पूरे स्किन में फील कर सकते हो, ठीक है, और पूरे रात भर फील कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत हैवी लगेगा, इट विल बी वेरी लाइट। आप इसे समर विंटर दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल समर सीज़न आ रहा है, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, फिलहाल विंटर सीज़न आ रहा है और विंटर में, और अभी से आप लगाना चालू कर सकते हो और आप इसे विंटर में बहुत ही इफेक्टिव पाओगे। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं बस यही बोलूँगी कि ये इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप अपने स्किन के एक्सटर्नल यूज़ में ही लगा सकते हो, और ज़्यादातर स्किन फेस एंड नेक पे ही लगाएं। और ये वाला मैंने ख़रीदा, इसमें और भी वेरिएंट लाइक एलोवेरा वाला भी है लैक्मे का नाइट क्रीम, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। पर अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो रिव्यू भी लाऊंगी। और आपको और भी एक्सप्लेनेशन में अगर ये वीडियो चाहिए कि किस तरह से आप नोज़ गार्ड छोड़ सकते हैं और कोई दूसरी क्रीम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसके लिए भी एक अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने मुझे वो नोज़ गार्ड क्रीम की रिव्यू देखने के बाद मुझे ज़रूर एक बार बोला होगा कि ये आप कोई वीडियो बनाओ जिसमें आप को दूसरी क्रीम सजेस्ट करो, आप ही बता दो, या नोज़ गार्ड क्रीम से आप भी हो परेशान तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। और मैं बस ये बोलूँगी, मैं आपको इसके अंदर की टेक्सचर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, इसका जो अंदर का टेक्सचर है बिल्कुल ही लाइट है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई भी तरीके का ये नहीं है, मतलब आप क्या होंगे कि बिल्कुल ही, मतलब इसका टेक्सचर जो है वो एकदम क्रीमी है, पानी के जैसा घुल जा रहा है। देखो आप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है। इसका स्मेल जो है एकदम माइल्ड है, आप ऐसा हार्ड स्मेल नहीं है, और साथ ही साथ ये एकदम मेल्ट हो गया तुरंत,
स्किन में आप थोड़ा सा, अगर मैं तो कहूँगी कि बस आप इतना सा पूरे स्किन में थोड़ा थोड़ा अगर बांट के लगा लेते हो रात को रोज, तो ये परफेक्ट है। साथ ही साथ आप नहाने के बाद अगर आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है तब भी आप इसे लगा सकते हो हल्का सा लेके, उसके बाद जब आप कहीं बाहर निकलो तो आप फिर सनस्क्रीन लगा लो। लेकिन ये एज अ मॉइस्चराइजर दिस इज़ अमेजिंग, इवन एज अ नाइट क्रीम इट इज़ फैंटास्टिक फेबुलस, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करो। अगर आप नहीं यूज़ करते हो कोई नाइट क्रीम तो उसके ऊपर भी मुझे कमेंट करो, मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी नाइट क्रीम के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या हानि होती है। तो हानि तो बहुत कम होते हैं, पर किस टाइप की नाइट क्रीम आपको चूज़ करनी चाहिए, बेसिकली नाइट क्रीम माइल्ड होनी चाहिए, कम केमिकल्स होने चाहिए, पर साथ ही साथ एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए। सो आप कोशिश करें कि आप पैराबिन फ्री नाइट क्रीम लें और एक अच्छे से यूज़ करें और अच्छे टाइम टेबल के साथ यूज़ करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उन सब का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसे भी ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अब रेगुलर हर मंथली या 10 डेज़ के अंदर मैं ज़रूर पोस्ट करूँ एक वीडियो। आप लोग जो भी मुझे जितने भी कमेंट्स आएंगे 1-2-3, मैं उसके ऊपर बेसिकली ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, पूरी कोशिश करूँगी। सो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब होता है बिल्कुल ही फ्री। और मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।